गुरु जी माँ के पावन दरबार में पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार ताली लगाएं और हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सारा संगीत परिवार गुरु जी के चरणों में, क्योंकि हाँ जी एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज हम सभी बड़े जोरदार ताली बजाएं। दो साल के बाद हमें ये दिन मनाने का मौका मिला है, काफी मुश्किलात रही है। आज हम ये काम शुरू कर रहे हैं, इसके लिए मैं इजाजत देता हूँ शुरू कराएगा। ये शुरू कराने से पहले जरूरी समझता हूँ कि कुछ हमारे बहुत नजदीकी मगर जिन्होंने इस मुझे यात्रा के लिए पिछले वाले लोग को नहीं दिखते, आप या नीचे बैठ जाओ या थोड़ा साइड, या नीचे बैठ जाओ या साइड हो, या नीचे बैठ जाओ या साइड हो, नीचे बैठ जाओ या थोड़ा साइड के नाम सुना दूंगा आपको। संजय जी हैं जो यहाँ लंगर लगाते थे, खेलना में लंगर लगाते थे, अपना में लंगर लगाते थे और माता के काम में उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, बड़े खुश थे। और एक उसके बाद एक और हमारे श्री दौतराम जी माता जी प्रति आपने कृपा करी है, बहुत मदद की है, जो भी काम हमने उनको दिया बड़े खुशी से उनसे किया। और एम ए थे इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के पूरे विद्वान थे और माता की सेवा में दिल का तत्पर रहते। उसके बाद एक हमारे स्वामी राज जी थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे, माता के लिए बहुत काम किया है। 30-35 साल तो यहाँ जमीन लगाते रहे और भी काम होता था, वो करते रहे और मेहनत के बावजूद भी जब भी कहीं जगराता करते थे अपने हिस्से का जो पैसा मिलता था वो आकर माता के इधर चढ़ा देते थे। एक डॉक्टर देवराज जी थे किश्तवाड़ के, जो और बड़े विद्वान थे, माता का उनको बहुत बड़ा ज्ञान था, पूरा शास्त्रों को कंठस्थ था, सारा ज्ञान याद था और बड़े ही बड़े और बड़े अच्छे किस्म के आदमी थे। इसी तरह एक हमारे वेतन जी थे, वो भी बड़े माता के श्रद्धालु थे, बड़े खुश कलाक थे, माता के मनोहन बड़े थे। इसके बाद एक निर्मला जी थे, विधवा हुई थी लेकिन उसने 30-35 साल माता की यहाँ बहुत बड़ी सेवा की हर काम। एक और हमारी बहन अंजना जी थे, उन्होंने भी माता के काम में बड़े बड़ा सहयोग दिया और पहला कुकर जो है वो उन्होंने दान किया था। एक और प्रभात सिंह जी माता जी थे, वो भी इसके अलावा और बड़े साथी हैं, मेरे कोई दोस्त थे, मेरे कोई क्लास टीचर थे, वो भी चले गए, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब छोड़ने के बाद उनके लिए हम
दो मिनट का मौन धारण करेंगे और माता रानी से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में जाए। अब कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में बड़ी देर से खटक रही हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहता हूँ ताकि आप गुस्सा हो जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में हैं, मैं उनको बाहर नहीं निकाल सकता। कोशिश की मैंने निकालने की लेकिन नहीं निकाल सकता। तो आज मैं कैसे कह हमारे बदलवे सजा दिए ना कि दाढ़ी पर दिहाड़ो, अब मैं दाढ़ी पर दिहाड़ो हूँ कि मतलब ये सूर्य ग्रूप होने वाला है, आज होगा कल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ क्लियर करूँ। ये तीन बातें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहली बात ये है कि मैं आपको नाराज करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन मुझे माफ कर दें। पहली बात ये है कि मैं गुरु नहीं हूं। सबको मैं एक अर्ज करता हूं कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु का रोल अदा कर रहा हूँ। जैसे ड्रामे में किसी को पार्ट दिया जाता है कि आपकी लक्ष्मी का पार्ट करोगे, राम का पार्ट करोगे, फलाना पार्ट, ये मैं पार्ट कर रहा हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, क्योंकि गुरु की पदवी जो होती है बहुत बड़ी पदवी है। एक ऐसी जगह है जहाँ तक वो आदमी पहुँचेगा तो वो गुरु बनने के काबिल होता है। तो आप लोग मुझे गुरु की इज्जत देते हैं तो मैं यही कभी समझूंगा कि मैं वो पाठ कर रहा हूँ, मतलब मैं गुरु नहीं। हाँ, एक बात है कि मुझे माता रानी की कृपा से एक ऐसी जगह मिली हुई है जो बड़े कुछ नीच नसीब आदमी को बड़े भाग्य से बड़े उससे वो क्या है कि मुझे माता के चरणों में जगह मिली। तो मैं गुरु बनकर आप मुझे बेशक अपनी जगह गुरु माने जो भी, लेकिन मैं गुरु बनकर गति नहीं लेना चाहता। गति लूंगा तो ऊंचा हो जाऊंगा और माता से पीछे जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं माता को छोड़ना, मैं उसी के चरणों में रहना चाहता हूं और आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। जब तक मैं ठीक हूं तब तक आपकी सेवा करूं। तो लोग कोई मुक्ति मांगता है, कोई स्वर्ग मांगता है, और मैं माता रानी से कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि माता रानी मुझे अपने चरणों में रखना, और ये जो लीला, जो ये लीला चलाई है, ये जो लीला है, बस इसमें कायम रखना, यही देखता रहूँ। मैं सेवा करता रहूँ, रात दिन सेवा करता रहूँ। इसलिए जो मुझे गुरु समझते हैं उनसे मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे अपना भाई समझो। हम एक ही माँ के बेटे हैं, मुझे अपना भाई समझो। ये जो माता की खेल है, ये बहुत देर के बाद एक खेल चली है, ये मेरे हिसाब से मेरे कहने का है। जैसे कृष्ण और गोपियों की लीला चली थी, ऐसी इस वक्त कलयुग में माता और भक्तों की लीला चली। ये माता जो है इस वक्त ये गुरु रूप में आई है, ये दोस्त रूप में, सखा रूप में आई हुई है। तभी हम इकट्ठे नाचते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे चलते हैं, रोते हैं। आप एक बार देखें कि कितना माता के जब आप मंदिर में जाते हो तो भी रोना आता है, जब उससे वापस आते हो तब भी कोई माता की बात सुनाता है तब भी रोना आता है। तो ये रोना जो है ये माता रानी ने भक्ति की सबसे ऊँची स्टेज दी थी, क्योंकि भक्ति की स्टेज जो है वो पूजा पाठ से शुरू होती है, ध्यान समाधि से ऊपर जाकर फिर एक स्टेज आती है कि प्रेम पैदा हो जाता है, ईश्वर के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। फिर उसको कोई भक्ति, कोई उसने उसको प्रेम ही होता हुआ करता है, उसको ईश्वर ही नजर आता है। तो मैं चाहता हूँ यही प्रेम बना रहे, हम फिर मिलते रहें, इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले। गुरु मुझे नहीं बनाना, मुझे माफ़ कर देना कि मैं नाम नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ। मुझे गद्दी की जरूरत नहीं है, गुरु को गद्दी हो जाती है, उसको जो ही जो कोई गुरु बनता है उसको गद्दी मिल जाती है। मैं नहीं गद्दी चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ आपकी,
सबकी, जो मुझसे हो सकेगा, जो भी होगा। अब मेरी जो 80 साल उम्र हो गई है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि जब तक मेरे सांस में सांस है तब तक मैं आपकी सेवा करूँ। पहला पॉइंट मेरा ये है। तो अब मैं थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि मैंने सुना दिया आपको कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। और ये भी बोल दूँगा, अपने मन से कहूँगा कि माता का सबसे खास सेवा मुझे बहुत ज़्यादा मेरा नाम आगे रखकर अपनी लीला चलवाई है। अकेला मुझे जेल में बुलाया था, वही मटेरियल था कि जिसकी सिर्फ अक्टर एक दफा पूजा होती थी, वो भी गांव वाले करते थे। गांव का मंदिर था, पूरी पार्क का टूरिस्ट नहीं था। तो मुझे बुलाया शायद कोई मेरे पिछले जन्म की कोई ऐसी गलती, इस जन्म में मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी। पुलिस वाला था, पुलिस वाला बेचारा एक तो नाराज ही करता है, दो तो कुछ नहीं कर सकता, कई उनकी बदवाई लगी, कई उनकी कुछ होगी, लेकिन मुझे बुलाया और फौरन न्यारे कर दिए। एक को बुलाया था, लाखों को पहुंचा दिया, जितने देव स्थान हैं सबको चमका दिया, घर घर में पूजा स्थान बना दिए, हर आदमी को अच्छे संस्कार डाले, सबको इस तक लगा दिया। उसके बाद जितने भी मंदिर हैं उनकी रिनोवेशन हुई, नए मंदिर बने, मतलब एक जिसको कहते हैं भक्ति की एक लहर चल पड़ी। इस वक्त आप जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी देखो कोई यात्रा जा रही है, उसमें इतना रश है, कोई जगराते हो रहे हैं, हज़ारों जगराते हो रहे हैं, उनमें इतना रश है कि माता रानी ने एक जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन लाना, एक इनकलाब ला दिया। और उसकी देखो बड़ाई देखो कि कियास ने सब कुछ खोल कि भैया तेरी कृपा से हर काम हो रहा है, करती है तो खुद ही मेरा नाम हो रहा है, और वो सारा क्रेडिट मुझे दिला दिया। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं अब तक से फिर यही अरदास करूँगा कि मुझे अपना भाई समझो, मुझे अपना सेवक समझो, मुझे अपना ताया समझ लो, चाचा समझ लो, लेकिन गुरु नहीं। क्योंकि गुरु लफ्ज़ जो है, भाई को हर आदमी गुरु बनना चाहता है, लेकिन गुरु की पदवी जो है वो माता ने मुझे दिखाई है कि गुरु की पदवी क्या होती है, वहाँ तक अखिम नहीं पहुँचते। भगवान के पास दूसरा नंबर जो आता है, ईश्वर के पास दूसरा नंबर जो आता है, वह गुरु का। यानी गुरु इतनी महान चीज़ होती है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। जब खुद आदमी में पूर्णता आ जाती है, पूरा उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, फिर वो जाकर मतलब वो बन सकता है। अभी किसी ने कहा है कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपने जो क्या कहते हैं जिसका ईश्वर दिए देखा, गोविंद दिए देखा। तो मतलब वो स्टेज है गुरु की। बस मेरे हाथ जोड़कर सबसे एक विषय